गाल वधी नहीं पई, गाल मुक्की पई है। आज तो सर जी जो खबरनामा मैंने सुना है 9 बजे वाला, उसमें तो कोई खबर ही नहीं है, बस एक ही खबर है। तुसी कहोगे जा रहे हैं वकील साहब की कह रहे हैं, आज जो 9 बजे वाला खबरनामा है ना, उसमें कोई खबर ही नहीं है, टीवी पे एक ही खबर है, वो जी सिंध से पीटीआई छोड़ने वाले इमरान शाह, जनूबी पंजाब से छोड़ने वाले फलाने, इस्लामाबाद से छोड़ने वाले फलाने, छोड़े ही जा रहे हैं, छोड़े ही जा रहे हैं यार। हाय 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 हाय, आज तो मैं कह रहा हूं और कोई खबर है ही नहीं, ता मैं कह रहा ना गल वधी नहीं, गल मुक्की पई। जालिम इंसान ने पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की। मैं आपको ये बता रहा हूं ना, इमरान कहते मेरी 26 साल जदोजहद वो इनकलाब लाने के पूरे प्रोग्राम में था। इनकलाब फेल हो जाए तो क्या होता है? फिर अमवात होती हैं, फिर गिरफ्तारियां होती हैं, फिर भाग दौड़ होती है, फिर छोड़ना छुड़ाना होता है। जब इनकलाब फेल हो जाए, इमरान ने पूरा प्रोग्राम बनाया था, इसको ये यकीन था कि जी पीडीएम वाले और ये अदालतें नाकाम हो गई हैं इलेक्शन करवाने में, ते एंज करो जी मेरी गिरफ्तारी होवे तो तुसी जनाब कोई GHQ ते कुछ नहीं, जब उनको आप शिकस्त दे लेंगे तो मैं ऐसे आऊंगा इमाम खुमैनी की तरह आऊंगा और ऐसे पूरे पाकिस्तान पे छा जाऊंगा। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मंसूबा नाकाम हो गया, इसने तो लाशें गिरानी थी सर जी। अभी तो ये मैं समझता हूं कि हम पाक फौज को सलाम करते हैं जिन्होंने एक बंदा भी नहीं मारा, एक भी नहीं मारा बंदा। इनके ये मंसूबे भी थे। आज फिर तकरीर कर रहा था, इसकी तकरीर आज नशर क्यों हुई है भाई? इसकी तहकीकात करो कि अब तो साबित हो गया कि ये दहशतगर्द है, इसकी पार्टी दहशतगर्द है, सारे इसको छोड़ के जा रहे हैं। आज भी जो लोग इसकी वो कर रहे हैं जनाब, उसे क्या कहते हैं, टीवी पे खबरें चला रहे हैं, उनकी तहकीक करो वो कौन है, क्यों चला रहे हैं, अब क्यों चला रहे हैं, कोई हुन रह गए, कुछ बाकी रह गए, कुछ नहीं रहा। तो जनाब अभी अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने कहा जी आज 60 60 60 अमरीकी जो कांग्रेस के और सेनेट के लोग हैं, उन्होंने अमरीकी वजीर खारजा को लिखा है खत कि आप पाकिस्तान को खत लिखें और इमरान खान को बचाएं। हाँ जी, कल मैंने कहा था ना, कल मैंने क्या कहा था, मैंने कहा जी ये इधर से मशरे के वुस्ता से इमरान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आएगी, दुबई सऊदिया कतर इधर से कहीं से भी नहीं आएगी, इधरों आएगी मगरब वाले पासों, यहूदी जंट है ना उधर से ही आई है ये ताजा खबर जिसके ऊपर मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 60 अमरीकी नुमाइंदगान ने अपने वजीर खारजा को लिखा है कि इमरान को बचाओ। देखा, तो इससे साबित हो गया ना मौलाना फजल रहमान साहब की बात कि ये यहूदी है, ये यहूदी एजेंट है और बैरूनी मुदाखलत नामंजूर नामंजूर नामंजूर। मौलाना साहब ने आज ये कहा है, एक तो ये कहा है, दूसरा उन्होंने कहा खबरदार जुडिशरी खबरदार, अभी भी आप इमरान्डू जज बन के इमरान खान को तहफुज दे रहे हैं, इनके दोस्तों की जमानतें ले रहे हैं, धड़ाधड़ ले रहे हैं, जमानतों की बारिश कर रहे हैं। हमारे पास बड़े अहम राज आ गए हैं कि कौन कौन से जज का इमरान खान से डायरेक्ट राबता था और है। उन्होंने कहा जी अगर ये जज बाज ना आए तो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये बताऊंगा के इमरान के साथ कौन कौन से जज मिले हुए हैं। आप जजो हूं तुसी अपनी खैर मनाओ, अपनी खैर मनाओ हूं तुसी। और मैं कौमी असेंबली के स्पीकर से भी कहूंगा कि वो बंदयाल वाला जो रेफरेंस परसों तैयार हुआ था वो किधर है? कोई चीज गुम नहीं होनी चाहिए, हमने 9 मई को भूलना नहीं है, 9 मई को नहीं भूलना और इस चीज को नहीं भूलना। आज भी इमरान कहता है मैं हर किसी से मुजाकरात करने को तैयार हूं। माशाल्लाह, ओ लतीफा याद आ गया,
तेरे नाल अपने सलाम लैण नूं तैयार नहीं हुण ते तू मैं मुजाकरात करने को तैयार हूं। वो ही ना एक कहंदा जी कोई मरासी का मुंडा पड़ गया ते ओ चौधरी दे घर पहुंच गया कि यार मेरा मुंडा भी पड़ गया है ते तेरी भी कुड़ी पड़ी हुई बैठी है ते रिश्ते की गल ना कर लईए। उन्हें कहा मरासी की ऐ जुरत कि चौधरी को रिश्ता मंगे। उन्हें अपने नौकरों ने हुक्म दिया कि इन्हू मार मार के गेट तो बाहर कट के आओ। उन्होंने मार मार के गेट तो बाहर जाके उन्हें सुट दिता ते ओ गेट तो बाहर ही कपड़े झाड़ के कहंदा है कि चौधरी साहब मैं फिर ना ही समझा। इमरान ते तुझे अभी तू बाहर आज फिर रहा है, मैं हैरान हूं कि आज तू बाहर क्यों फिर रहा है। तू कहता है अब मैं मुजाकरात करने को तैयार हूं। लानत है तुम्हारी सियासत पे। हाँ जी पूरी दुनिया लानत भेज रही है, मुसलमान दुनिया कम अज कम नहीं अब नहीं। और अगर हुकूमत ने मुजाकरात या कोई अमल तो है ही नहीं ऐसी पोजीशन। राणा सनाउल्ला ने कहा जी कि कल वफाकी काबीना ये फैसला करेगी कि इसकी दहशतगर्द तंजीम है और इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। और ये राणा सनाउल्ला ने आज ये बयान दिया है, ये बयान दिया है। और जो छोड़ने छुड़ाने का सिलसिला है ना वो 7-9 MNA MPA ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कल या परसों 40 अरकान कौमी असम्बली व सूबाई असम्बली वो कर रहे हैं। उनको मैं एक मशवरा भी मुफ्त देना चाहता हूँ। जो 40 अरकान है ना टिकट होल्डर है जो उनको जो टिकट लेने गए थे, इमरान से पैसे वापस मांगो, मुझे वकील करो, मैं आपको पैसे वापस लेके देता हूं इमरान खान से। जो आपने रिश्वत में 2-2 करोड़ दिए हैं ना, मैं आपको वापस करके देता हूं, मैं आपको वापस करके देता हूं। मुझे वो आए मेरे पास आए, मेरा फोन नंबर नोट करें 03004725752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आप आए मेरे पास, मैं आपको सारे पैसे वापस लेके देता। और बीच में सदर आरिफ अलवी का ये इंटरव्यू आ गया है, वो कहता है जी इमरान को वो माजरत करनी चाहिए, ये है वो है। अब कोई माजरत नहीं है, तुम भी शामिल हो आरिफ अलवी, इस्तीफा दे के आ जाओ वरना तुम्हारा एहतसाब भी होगा। आरिफ अलवी और आटा बंदयाल ये फौरन इस्तीफा दे, 24 घंटे के अंदर अंदर इस्तीफा दे। इनके ऊपर होना यही सहूलतकार है, यही दहशतगर्द तंजीम के सहूलतकार है, ये भागने ना पाए। ठीक है, ये है जनाब। और मौलाना साहब ने जो बात की है बाकी मैंने आपको बता दी है। मलक अमीन असलम, डॉक्टर अमजद, इमरान शाह, ये सारे जो है इमरान खान को जो छोड़ना चाह रहे हैं, कल ये इंशाल्लाह ताला होगा। तो बाकी इसके अलावा तो मैंने बताया कोई खबर है ही नहीं। ठीक, तो वो सदर अलवी कहते हैं मैंने आर्मी चीफ को भी खत लिख दिया है कि ज़रा नरमी करो और मुजाकरात और ये है वो है। मरियम नवाज साहब ने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया, कहते इमरान कहता है कि खौफ के बुत आपको तोड़ने पड़ेंगे। उन्होंने कहा जी खौफ का बुत दहशतगर्दी से नहीं टूटता, खौफ का बुत तोड़ने के लिए खौफ खुदा होना चाहिए। ये मरियम नवाज साहब ने आज ट्वीट किया। इसका क्या ताल्लुक है इमरान डू का? आज वो बिल्कुल, और हुकूमत को हम कह रहे हैं आज सारे लोगों की उम्मीदें, आपने कहा था कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं। निगरान हुकूमत अभी जाए और इस जोड़े को, इस जो इद्दत में जिन्होंने निकाह किया है ना, जिन्होंने इद्दत में ये पिंकी पीरनी और मांडू, इनको गिरफ्तार करके लाओ, इनके चेक करो निकाह नामे, इनको आज ही गिरफ्तार होना चाहिए दोनों को, आज ही। आज इमरान खान फिर नहीं गया उधर नैब के जिसमें सहूलत दी थी बंदयालवी ने। ये जो भी इसके सहूलतकार हैं उनको पकड़ो, चाहे वो जितने बड़े ओहदों पे बैठे हैं। ये इनकलाब में ऐसे ही होता है, जो इनकलाब का हामी होता है ना, वो चाहे मीडिया में है, चाहे वीलाग बनाने वाले हैं, चाहे अदलिया में है, चाहे फौज में है, जिधर भी हैं, उन सबको पकड़ो। ये इनकलाब इसका फेल हो गया है, सबको पकड़ो, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है,
ताजा खबर आई है, इमरान की शामत आई है। इसका कोई बयान टीवी पे नहीं चलना चाहिए, कोई बयान नहीं चलना चाहिए। आप एग्री करते हैं इस बात से तो फिर सब्सक्राइब भी करो तो मैसेज भी करो।